चतरा जिले के प्रतापपुर का हिंदिया कला बिरहो टोला पहली बार सोलर लाइट से रोशन हुआ है। इस गांव में बिरहोर और बेगा जैसे आदिम जनजाति बसते हैं। गांव में रोशनी आने से जहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही है, वहीं गांव में रोजगार के भी नए साधन खुलने लगे हैं। ये गांव हर तरफ गरीबी और फटेहाली नजर आती है। रोजगार के लिए दिन रात महिलाएं बांस की कतरनों से जूझती रहती हैं, लेकिन गांव में रोशनी की एक छोटी सी लौ जलनी शुरू हो गई है। पूरा गांव इस रोशनी में नहा उठा है। गांव में प्रशासन के सहयोग से सोलर प्लेट लगे हैं और घने जंगल में बसे बिरहोर और बैगा परिवारों को जीने का एक सहारा मिल गया है। आज बच्चे रात में भी पढ़ रहे हैं और महिलाएं रात में भी अपना काम कर रही है। नहीं था तो पहले टॉर्च से पढ़ते थे, अब लाइट हो गया तो टॉर्च का जरूरत नहीं पड़ता है। कॉपी किताब निकाल के पढ़ते हैं या जो भी याद करना रहता है सब अपने से याद करते हैं। अंधेरा लगता था गाँव, और कहीं भी जाते थे रास्ता में तो डर लगता था। अब कहीं हर जगह लाइट ही लाइट है। क्या डर लगता था तुम लोग को? पहले सांप बिच्छू भी काट सकता था रास्ता में, घर पे भी आंगन पे निकलते तो सांप काट सकता था। गाँव प्रतापपुर प्रखंड से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में, यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोलर लाइट के आने से गांव में कई बदलाव हो रहे हैं। अब सोलर पंप से पानी की सप्लाई भी की जा रही है और जहाँ जहाँ उचित था वहाँ पर जो है 40 सोलर लाइट लग रहा है। और अभी का समय ऐसा है कि हिंदिया कला जो गाँव जो है जहाँ पर जो है अंधेरे में लोग जीता का रहता था, वहाँ पर अभी जो है रात में जगमगा उठा है। रोशनी से जो है भरपूर इंडिया कला जो है गाँव हो गया है और लोग खूब खुश है। गांव में आज भी कई समस्याएं हैं, ना तो यहाँ रोजगार का कोई साधन और ना ही किसी के पास ढंग का मकान। फिर भी यहाँ के लोग शांति से गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन सोलर लाइट आ जाने से रोजगार की संभावना बननी शुरू हो गई। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।